जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह उठकर चुपचाप छत पर फेंकाए ये चीज, फिर देखिए चमत्कार। अगर आपको आर्थिक तंगी की समस्या है या आपके घर में अभी पैसों की किल्लत चल रही है तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपके हर रुके काम संपूर्ण होंगे। आप किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आज की डेट में पैसों की हर किसी को जरूरत होती है। कोई पूरे दिन धूप में काम करके पैसे कमाना चाहता है तो कोई पूरे दिन ऑफिस में अपना टाइम खत्म करके पैसा कमाना चाहता है। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की ज़िंदगी में बिना पैसे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप पूरे दिन सुबह से शाम तक मेहनत करने के बावजूद वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं जो आपके हक में है। आप पूरे दिन पूरी रात यानी दिन दोगुना रात चौगुना वर्क करते हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप आपको उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने की आप उम्मीद करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पूरी जी जान से भी मेहनत कर ले तो आपको उतने पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि हर चीज़ मेहनत नहीं होती, कुछ टोटके भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टोटके के बारे में जिसे करके आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आप इन टोटकों को करके अपने घर में पैसे की बारिश कर सकते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुबह उठकर चुपचाप छत पे फेंक देंगे तो आपकी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सुबह उठकर एक मुट्ठी काले तिल ले लें और इसे सूर्य उदय से पहले अपने छत पे चुपचाप फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी, घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी की समस्या नहीं होगी। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं वो आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपको वो पैसे बस कुछ ही दिनों में रिटर्न कर देंगे। आपका कोई रुका हुआ काम भी बहुत जल्द संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे चिड़ियाँ उस दाने को खाएंगी वैसे वैसे हमारी गरीबी हमसे दूर चली जाएंगी। ये बहुत ही यूजफुल टोटका है। इसे करके आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद आप एक नारियल ले लें और इसमें काले धागे को लपेट के अपने पूजा स्थान में रख दें। शाम को इसे आप किसी चौराहे पे या फिर कहीं भी चुपचाप जला दें। इस उपाय को मात्र 9 दिन करने से आपको बहुत ही फायदा होता है। आपकी सारी धन संबंधी समस्या इस उपाय को करने से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप चीनी के शिवलिंग की पूजा करें। मात्र 40 दिन तक अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं यानी चीनी से बना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा होता है। इससे आपकी सारी धन संबंधी समस्या खत्म हो जाती है और आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी डामाडोल नहीं होती। इस उपाय को करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी हर घर में पाई जाती है। अगर आप रोजाना शाम में एक दिया तुलसी को अर्पण करते हैं तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। माना जाता है कि जैसे जैसे आप दिया जलाते जाते हैं वैसे ही आपकी आर्थिक तंगी दूर होती जाती है और आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस उपाय को करके आप अपने घर में सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने परिवार को सुखद अनुभव दे सकते हैं। इसके अलावा रोजाना आप खाना खाने से पहले एक निवाला भगवान के नाम के लिए निकाल दें। माना जाता है कि अगर आप ऐसे रोजाना खाने से पहले सबसे पहले भगवान को या भूमि को देते हैं तो इससे आपके घर में महालक्ष्मी का वास होता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप खाने से पहले एक निवाला अपने पूर्वजों और भगवान के लिए निकालते हैं तो माना जाता है कि देवी देवता आपके घर भोजन ग्रहण करने आते हैं
जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और आप सदैव सुखद जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप करके हमेशा के लिए पैसे की किल्लत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप पानी में चलने वाले नाव से एक कील निकाल कर इसका छल्ला बना लें और इसे शनिवार के दिन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और आपको कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती है, जिसकी वजह से आपको कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती। दोस्तों, इन उपाय को करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं और पैसे की किल्लत को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।